असद भ्रोही व्लॉग के साथ मैं हूं असद भ्रोही। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि अपने रैबिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दें और उनके बारे में बताएं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता जाऊं कि मेरे पास ये जो रैबिट्स के बने हुए थे तकरीबन 2 मंथ्स के हो चुके हैं और उसके बाद फीमेल को मेल के साथ दोबारा छोड़ दिया था। तो फीमेल ने फिर अब जब ये 2 महीने के हुए हैं तो 4 बनी और दिए हैं, डिलीवर किए हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इस बार लास्ट टाइम में डिस्टर्ब हो रहा था कि इसने नेस्टिंग नहीं की थी और मैं समझ रहा था अपने मतलब मेरा मैं ये सोच रहा था कि ये फीडिंग नहीं करवा रही बेबीज़ को, जबकि मुझे पता नहीं था कि ये फीडिंग इसी तरह करवाते हैं। क्योंकि मैं डॉग्स की ब्रीडिंग करवाता हूं और उसमें जो है 24 घंटे फीडिंग करवानी होती है, घंटे घंटे के गैप से, जब जो है पपीज़ न्यू बॉर्न होते हैं। तो मैं इसमें भी यही समझ रहा था, लेकिन जब उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की, कुछ लोगों ने मुझे गाइड किया। जब लास्ट टाइम मैंने इसकी वीडियो डाली थी तो मैं इनको बार बार पकड़ के फीड करा रहा था, तो दोस्तों ने गाइड किया कि नहीं, आप छोड़ देंगे 24 घंटे में एक ही बार, या बहुत मुश्किल से 2 बार फीड कराते हैं। मज़ीद फिर मैंने गूगल पर भी पढ़ा इनके बारे में। तो इस बार मैंने नेस्टिंग इनकी तो बना दी थी, इस फीमेल ने नेस्टिंग नहीं की थी जब इसकी ब्रीड हुई थी, जब इसने जो है कि बेबीज़ को डिलीवर किया था तो उसने नेस्टिंग नहीं की थी। तो मैंने उसी तरह नेस्टिंग वगैरह की, कॉटन की। उसके बाद फिर इसने खुद अपनी जो है ना कि नेस्टिंग बनाई। उसके बाद मैंने देखा कि ये घास फूस वगैरह बाहर से उठाकर नेस्टिंग करती रही और उसी तरह मैंने 24 घंटों में एक बार जाकर किसी भी टाइम चेक किया तो बेबीज़ जो है ना कि मतलब फीड किए हुए थे और उनके पेट में मुझे नज़र आ रहा था कि जी बिल्कुल इन्होंने फीड की हुई। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया फीमेल को। मुझे बताया था दोस्तों ने कि अगर आप बार बार पकड़ कर इस तरह फीड कराएँगे बेबीज़ को तो जो मदर है वो स्ट्रेस में आ जाएगी और प्रॉब्लम होगी उसको। तो मैंने इस बार बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, कोई तंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसको। वो खुद ही फीड कराती है और खुद ही जो है कि बेबीज़ को पालती है। ये बेबी हैं, एक ये है जो ये पहले वाले बेबी हैं जो 2-2 महीने के हो गए। तो एक ये बेबी है, बहुत क्यूट है और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है हाथ में, ये आप देख सकते हैं। ये बेबी है वाइट और ग्रे कलर में है। और एक ये बेबी है। फ़िलहाल मुझे इनका जेंडर कंफर्म नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे मालूम किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है मेल फीमेल। तो एक ये बेबी है एक ये है, बहुत क्यूट है, लॉन्ग कोट में है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। एक ये है, लास्ट वन ये है। लास्ट वन ये है, बहुत ब्यूटीफुल है, सब अलग अलग कलर्स हैं। ये इनको मैंने अलग कर दिया था अपनी मदर से, ये इनका केज है। का केज है और कुछ ये बर्ड्स हैं मेरे पास, इनकी मैं फिर आपको अलग से एक वीडियो बनाकर अपडेट दूंगा। ये कुछ बर्ड्स हैं, कबूतर हैं, और भी मेरे पास ब्रीड्स हैं कबूतर में, काबली हैं, फैंसी हैं,
तो मैं बाद में अपडेट दूंगा। और नीचे ये जो केज है इसमें अभी ये रैबिट्स के बनी हैं, छोटे से अभी जो न्यू बॉर्न हुए हैं। और साथ में ये इनकी मदर है, लेटी हुई है। और ये इन बेबीज का फादर है। इनको मैंने अभी अलग अलग किया हुआ है। फ्रेंड्स, तो मैं आपको नेस्टिंग और ये बेबी दिखाऊं जो अभी न्यू बॉर्न हुए हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये कॉटन डाली थी, उसके बाद घास वगैरह ये सारी नेस्टिंग इनकी मदर ने खुद की है। और ये एक बेबी है और ये दूसरा बेबी है। ये तो और ये तीसरा है, तीन दो वो ब्लैक हैं और ये शायद क्रीम कलर है, और ये भी मुझे वाइट ही लग रहा है। ये चार बेबी हैं। लास्ट टाइम इसने पांच बेबी डिलीवर किए थे और इस बार चार हैं। और ये अभी इस वक्त तकरीबन कुछ चार से पाँच दिन के हो चुके हैं, बोर्न हुए थे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि डिस्टर्ब ना हो जाए फीमेल या इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए मैंने इनको नहीं किया तंग और वीडियो नहीं बनाई। और आज तीन चार दिन के हो चुके हैं और नेस्टिंग वगैरह भी इनकी जो है बन चुकी थी, तो मैंने सोचा आज मैं इनकी बना लूँ वीडियो। इनको हम वापस रख देते हैं अंदर। फ्रेंड्स, तो ये थी मेरे रैबिट्स की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।